चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। कल बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान और कटरीना कैफ की धमाकेदार फिल्म टाइगर जिंदा है ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। जी हां, तरुण आदर्श के ट्वीट के अनुसार फिल्म ने शुक्रवार का कलेक्शन करीब 35 करोड़ से ऊपर का रहा है। आपको बता दें कि फिल्म ने भारत के साथ साथ बाहर के देशों में भी अच्छा कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सिनेमा घरों में दूसरे दिन भी काफी ज्यादा हाउसफुल नजर आ रहा है। फिल्म ने इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया यूएई में भी अच्छा कारोबार करके फिल्म को सफलता दिलाने में सलमान खान कहीं भी कमी नहीं छोड़ा है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन ही बाहुबली 2 का कलेक्शन तोड़ दिया है, क्योंकि बाहुबली 2 का कलेक्शन सिर्फ 32 करोड़ ही पहले दिन का रहा था। इसी हिसाब से ये कंफर्म हो गया कि सलमान खान ही बॉक्स ऑफिस के असली सुपरस्टार हैं, क्योंकि जब भी सलमान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आती है वह एक नया इतिहास रचती है। फिल्म दर्शकों के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि सलमान खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 5 सालों के बाद टाइगर जिंदा है में नजर आए हैं। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है सलमान और कटरीना कैफ की ही एक था टाइगर का सीक्वल है। टाइगर जिंदा है का डायरेक्ट किए हैं अली अब्जाज जफर ने, जिन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्देशन भी किया है।